नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीत। आप देख रहे हैं शहडोल डायरीज। और जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, जॉब अलर्ट। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एक नई सीरीज, एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें मैं डेफिनेटली आपको कुछ जॉब अलर्ट्स के बारे में बताऊंगा। अब थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये जॉब अलर्ट्स स्टार्ट करने के पीछे रीज़न क्या है। सो रीज़न है ये, यूट्यूब के जो एनालिटिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और जो मेरे चैनल का एनालिटिक्स है वो ये बोलता है कि मेरा जो चैनल है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है 18 से 30 साल के बीच के जो यूथ है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा देखता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूइंग फॉर माई चैनल इज़ फ्रॉम दैट सेगमेंट ऑफ एज। और इसके अलावा मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, कुछ लोगों ने पूछा कि आपके पास कुछ जॉब्स वगैरह की जानकारी है क्या शहडोल बेस्ड। तो भैया, शहडोल बेस्ड कुछ भी नहीं होता है, और मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को उतना प्रेफरेबल नहीं करता। मैं किसी की बुराई या फिर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आई डेफिनेटली नॉट रेफरिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं जो जॉब अलर्ट्स लेके आऊँगा आपके लिए, सो दोज जॉब्स आर नॉट फ्रॉम द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दोज जॉब विल बी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो और ये जो जॉब अलर्ट्स होंगे, मोस्टली ये जो वीडियो है जॉब अलर्ट का, वो आपके पास आएगी मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को इवनिंग में या ट्यूजडे मॉर्निंग में। होता क्या है कि जॉब्स जो यूजली निकलते हैं वो सैटरडे को निकाले जाते हैं, और मुद्दा ये रहता है कि सैटरडे को निकाले हैं और संडे को सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ ले, नियम कानून पढ़ ले, कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ कर लें, और मंडे और ट्यूसडे तक उस पर अप्लाई कर दें। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रहता है किसी भी जॉब निकालने के पीछे। सो इन द मेन चीज़ वही है, और मैं आपके पास उन सब जॉब को लेके पूरी तरीके से होमवर्क करके आपके लिए जानकारी लेके आऊँगा, मोस्ट प्रोबली मंडे या ट्यूसडे को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ये बेसिकली ये मेरा होमवर्क है, 1, 2 and 3 पेजेस का मैंने होमवर्क किया है आपके लिए। होमवर्क करने का मतलब ये है कि मैं कोई भी जॉब आई और उसको अच्छे से मैं देखता हूँ, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसमें, क्राइटेरिया क्या है, डेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे जॉब्स के लिए मैं प्रेफर करता हूँ, बेसिकली जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स निकाले हैं उनके वेबसाइट में जाके, उनके करियर पेज में या रिक्रूटमेंट के जो पेज होते हैं उनमें जाके जानकारी निकालने की। सो सबसे पहले मैं चलता हूँ द फेवरेट वन, जो कि किसी भी यूथ का सपना होता है, टू वर्क इन अ बैंक, स्पेशली मैनेजमेंट ट्रेनिंग या ऑफिसर जिसको बोलते हैं। ये बेसिकली IBPS निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस। और ये जो PO और मैनेजमेंट ट्रेनी लगभग एक ही पोस्ट होती हैं, साल डेढ़ साल आपको एज अ ट्रेनी बेसिस में रखा जाता है, एंड आफ्टर दैट आपको ब्रांच दे दी जाती है या फिर असिस्टेंट ब्रांच, जो भी हो उनका क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ाया जाता है। सो अभी इसकी डेट निकल आई है, इसके रजिस्ट्रेशन हैं स्टार्ट 7th of August से, जो कि ख़त्म होंगे 28th of August को। स्पेशली अब ध्यान से सुनिएगा, डेट्स स्टार्ट हो चुके हैं 7th of August और ख़त्म होंगे 28th। अच्छा, इसमें जो IBPS का फंडा है, प्री और मीन्स तो होता ही है, उसके पहले प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी होती है, तो उसका लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए डाउनलोड होंगे सितंबर में, मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्टिंग सितंबर में होंगे, और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो 23rd से 29th of September तक होगी, ये 2019 में। उसके बाद कॉल लेटर फॉर द प्री एग्ज़ाम हो जाएगा अक्टूबर में, स्टार्टिंग अक्टूबर में आएगा ये, और उसके एग्ज़ाम्स होंगे 12, 13, 19 और 20 अक्टूबर को, 4 दिन, काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है इसका काम। तो 12, 13, 19, 20 ये 4 दिन तक इनके एग्ज़ाम्स चलेंगे। अल्टीमेटली सारे जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, इवन सम प्राइवेट बैंक्स आल्सो प्रिफर द स्कोर कार्ड ऑफ दिस IBPS,
उसके बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट्स का काफी लंबा होता है, एग्जाम्स काफी भीड़ होती है, इसलिए 4 दिन तक चलते हैं। उसके बाद मेन एग्जाम के जो कॉल लेटर हैं वो स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में आएंगे। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में बोल रहा हूँ तो बेसिकली एग्जैक्टली डेट तो वेबसाइट में भी नहीं दी है, लेकिन 1 से 10 के बीच में या फिर मेल आ जाता है या फिर आप नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो आ जाता है। तो मेन एग्जाम का जो कॉल लेटर है वो नवंबर 19 को आएगा और ऑनलाइन एग्जाम है मेन प्री हो गया, अब मेंस का है तो 30th of November को आएगा। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो इंडियंस तो कर ही सकते हैं, और उसके बाद कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं, कुछ नेपाल से होते हैं, कुछ जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने नागरिकता दी हुई होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कर पाया, लेकिन मेरा जो चैनल है वो इंडियंस के पास ज़्यादा जाता होगा, सो इंडियंस आई एम प्रेफरिंग। ओके, अब बात करते हैं एज की। तो एज नॉट बिफोर 1989 एंड नॉट आफ्टर 99 मीन्स 1989 के पहले की जन्म नहीं होना चाहिए और 1999 के बाद नहीं होना चाहिए। बिटवीन दिस 10 साल का काफ़ी लंबा चौड़ा गैप होता है, आप उस बीच में अगर आपका बर्थ है तो आप कर सकते हैं। रिलैक्सेशंस भी हैं, रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 years का है, और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए इज जस्ट ट्रीटेड एज अ जनरल, और पर्सन विद अ डिसेबिलिटी जो दिव्यांग कहलाते हैं उनके लिए 10 साल का रहता है, एंड एक्स सर्विसमैन जैसे कि मैंने बताया कि क्राइटेरियाज वगैरह के लिए उनको अप टू 5 years तक का अकॉर्डिंग टू देयर सर्विसमैन। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन वाले लगा सकते हैं इसमें, अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी परसेंटेज वाला क्राइटेरिया नहीं है, यू हैव टू बी ग्रेजुएट, दैट्स इट। अच्छा, एग्जाम स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम स्ट्रक्चर है पहले आप सुन लीजिए, प्री में और मेंस दो एग्जाम्स होंगे। तो प्री में जो है वो इंग्लिश का रहेगा, 30 questions रहेंगे जो कि 30 marks के हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है 35 का, 35 मार्क्स के हैं, एंड रीजनिंग एबिलिटी आती है 35 की और तो वो भी 35 मार्क्स के, ओवरऑल 100 questions 100 मार्क्स। आफ्टर दैट मेंस आता है, मेंस का है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 45 questions हैं 60 मार्क्स के। सेकेंड है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, दैट इज 40 questions ऑफ 40 मार्क्स। उसके बाद आता है एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज 35 questions 40 मार्क्स, एंड डेटा एनालिसिस आता है 35 का 60 मार्क्स। और उसके बाद एक और पेपर होता है, वो ऐसे राइटिंग होता है बेसिकली इंग्लिश टेस्टिंग के लिए, वो 2 questions होते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। सो ये आ गया आपके पास IBPS का, और डेफिनेटली आपको और कोई ओके, एंड आर नेक्स्ट वैकेंसी इज फ्रॉम द LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपने ज़रूर सुना होगा, उसी का एक वर्टिकल बोल सकते हैं, उसके एक ब्रांच बोल सकते हैं या फिर उसका एक सेगमेंट बोल सकते हैं, दैट इज़ LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसकी जो वैकेंसीज आई हैं पूरे रीजन्स के लिए हैं, रीजन बोले तो पूरे स्टेट्स ऑफ द इंडिया, यूनियन टेरिटरी एज वेल एज स्टेट्स दोनों के लिए हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो असिस्टेंट की वैकेंसी है 125, एसोसिएट्स की वैकेंसी है 75 एंड असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है 100। और सारी वैकेंसियाँ मेरिट बेस पे हैं, मेरिट बेस वेदर इट विल बी ऑफ द एग्जाम्स और जो भी परफॉर्मेंस होगा उसके मेरिट बेसिस पे हो जाएगा। अच्छा, इसमें असिस्टेंट और एसोसिएट वो रीजन बेसिस पे अप्लाई करेंगे, मींस असिस्टेंट को अप्लाई करना है या फिर एसोसिएट को अप्लाई करना है वो MP के लिए कर सकता है प्रॉपर, UP के लिए कर सकता है, छत्तीसगढ़ के लिए कर सकता है, गुजरात के लिए, लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर है वो पैन इंडिया के लिए अप्लाई कर सकता है। सो ये ध्यान दीजिएगा कि असिस्टेंट और एसोसिएट्स जो हैं वो रीजन में अप्लाई करेंगे और असिस्टेंट मैनेजर जो हैं वो पैन इंडिया अप्लाई करेंगे। ओके, सो प्रोबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट और एसोसिएट्स का प्रोबेशन पीरियड है 6 months का और मैनेजर का है 1 year का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन उनके कुछ एग्जाम्स होंगे या जो भी प्रोसेस होगी कंपनी की
वो करने के बाद उनको रेगुलर स्टाफ एज लिया जाएगा, 6 months असिस्टेंट एंड एसोसिएट्स एंड मैनेजर के लिए 1 year। एज जो ड्यूरेशन है 21 से 28 साल की है और इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिक्टली। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगा है। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन विथ 55% होगा 3 साल का, एसोसिएट के लिए 60% है, और मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए एमबीए चाहिए विथ 60% ओवरऑल, और उसमें अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशंस ब्रांचेस भी हैं तो वो भी हो सकते हैं। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू। नॉर्मली जैसा होता है पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, इंग्लिश 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड न्यूमेरिक एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 200 200 के हो जाएंगे टोटल। फीस है सभी के लिए 500 रुपये, और सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी। ऑनलाइन करें बेटर है। रजिस्ट्रेशन इसके लिए स्टार्ट हैं पेमेंट के लिए, और रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त के एंड हो जाएंगे 26 अगस्त। कॉल लेटर की जो डाउनलोडिंग होनी है, मीन्स नेट से ही आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है, दैट इज 9th of September। एग्जाम जो होंगे वो हो जाएंगे 9th और 10th अक्टूबर को हो जाएंगे, और एग्जाम्स जो हैं ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया में रहेंगे, कैपिटल्स में रहेंगे, और मेजर जो सिटीज हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीजिबिलिटी, जहाँ भी उनको फीजिबल लगेगा वहाँ पे वो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो मैं ला रहा हूँ, दैट इज़ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, छोटे से मैं निपटाता हूँ, क्योंकि डैम टेक्निकल है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की है, साइंटिस्ट लेवल की ये वैकेंसीज हैं। फिर भी जो भी महानुभाव साइंटिस्ट लेवल के जो देख रहे हैं वो देख सकते हैं। बी साइंटिस्ट बी इन DRDO, टोटल वैकेंसीज हैं 270, और जो पीछे की बैकलॉग वैकेंसी थी 32, बैकलॉग वैकेंसी 32 मिला के 270 वैकेंसीज आई हैं, ये पैन इंडिया में है। इसके लिए ज़रूरी जो है वो गेट का स्कोर है। गेट एक एग्ज़ाम होता है, उसका स्कोर कार्ड लगेगा, और 2017 18 19 तीनों साल के स्कोर कार्ड अप्लाइड हैं। एज जो है इसमें जनरल की 28 ईयर्स हैं, OBC का थोड़ा रिलैक्सेशन लेके 31 ईयर्स डाला हुआ है, SC ST के लिए 33 ईयर्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड अप टू 10 ईयर्स है, अकॉर्डिंग टू देयर जो किस लेवल तक हैंडीकैप्ड हैं तो अप टू 10 ईयर्स तक ही है, और जो सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए अप टू 5 ईयर्स तक की फैसिलिटी है। सो ये थी आज की वैकेंसीज, हालांकि और भी आई हैं, मैं इतना नहीं देख पाया हूँ क्योंकि टुडे इज़ द फर्स्ट एपिसोड फॉर दिस। नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली 5 to 6 मेन मेन लाऊंगा, आज तो 3 ही लाया था, और ये सेगमेंट अब रेगुलर चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड। हर मंडे या ट्यूसडे को ज़रूर आएगा। ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और क्या इसमें इनोवेशन हो सकता है वो भी बताएं, और क्या क्या कर सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन रखना है उस पर भी कर सकते हैं। सो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर डिमांड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टुडेज एपिसोड ऑफ द जॉब अलर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हाउ यू फाइंड दिस एपिसोड। थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ, दिस इज संजीत सोनी, जय हिंद।